करनाल मार्केट कमेटी से निकाले गए 22 कर्मचारी पिछले 95 दिन से लघु सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं। यह कर्मचारी मार्केट कमेटी के कार्यालय के सामने भी धरना दे चुके हैं। आपको बता दें कि आज लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने को चतुर्थ कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा समर्थन दिया गया है। बाद में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि मार्केट कमेटी द्वारा निकाले गए 22 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इन कर्मचारियों के बारे में पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी ठेकेदार 10 से 15 साल से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता। बावजूद अपने चहेतों को नौकरी पर लगाने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारी इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का काम कर रहे हैं, जिसके चतुर्थ कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाए। अगर सरकार इनकी बात को अनदेखी करती है तो आने वाले समय में चतुर्थ कर्मचारी संघ के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का गहराव भी किया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 95 दिन से मार्केट कमेटी द्वारा निकाले गए 22 कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इनकी मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही, जिसके विरोध स्वरूप अब इन कर्मचारियों द्वारा लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि निकाले गए कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि यह भी समाज की मुख्य धारा में रहकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चतुर्थ कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की। यहाँ पर मार्केट कमेटी से निकाले गए 22 कर्मचारियों के विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हम उनके नेताओं से बात करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मेरा नाम रामगोपाल, मैं क्लास 4 यूनियन का राज्य प्रधान हूँ और मैं आज यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो आज 93 दिन हो गए गरीब कर्मचारी, जो सरकार कहती है कि गरीबों के हित ऐसी, मतलब 12 साल से मंडी बोर्ड में लगे हुए थे और आज 93 दिन से ये कर्मचारी सरकार ने हटा दिए, क्योंकि ठेके बदलने के बाद ठेकेदारों ने अपने चमचे मिलके फैक्ट्री ने और ठेकेदार ने अपने आदमी रख लिया और ये 22 कर्मचारियों को अपने घर का रास्ता दिखा दिया। उसी दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, कई बार चीफ फैक्ट्री से बात हुई और सी ए से भी बात हुई, सरकार की चिट्ठी भी आई कि कर्म ठेकेदार बदलने पर कोई कर्मचारी नहीं बदला जाएगा, कोर्ट का भी डिसीजन है, लेकिन उसके बावजूद सी ए इनका कहता है पंचकूला जब गए थे कि ये तो ठेकेदार के कर्मचारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, क्या ठेकेदार अपने घर से तनख्वाह इनको देता है? बिल तो सरकार से पास होते हैं, ठेकेदार इनको तनख्वाह अपने घर से नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन बार बार आज 93 दिन हुए कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। तो आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर समय रहते इन कर्मचारियों की वापसी नहीं हुई तो हम एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, चाहे वो सीएम का घेराव हो या किसी मंत्री का घेराव हो। एक तो आपका धन्यवाद हो कि मंडी बोर्ड का जब से ही धरना चल रहा है आप लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हो, और आज जैसे कि आप लोग जानते हो भाई ये 22 कर्मचारी 10-15 सालों से बड़े ईमानदारी और बड़े निष्ठा से काम कर रहे थे। मतलब कुछ साथियों ने, मीडिया के भी साथियों ने भी प्रशासन के बीच में, वहाँ मंडी बोर्ड का प्रशासन भी है, वहाँ के मंडी बोर्ड का एसोसिएशन भी, उन लोगों से भी पता किया, मतलब तमाम साथियों ने कहा भाई ये लोग बड़े ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों से ईमानदारी का जो इनको आज नतीजा दिया है उन्होंने वहाँ प्रशासन ने, कि एक नया ठेकेदार आने के बाद पैसों की आपस में मिलीभगत करी, उस मिलीभगत करने के बाद इनको बिल्कुल हटाने देगा ये जो काम किया। इसीलिए आज पिछले 95 दिनों से जो ये धरना चल रहा था, आज स्टेट कमेटी के तमाम यहाँ नेता पहुँचे हैं, 4th क्लास यूनियन के, तो सरकमचारी संघ जिला कमेटी के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो आज प्रदर्शन करते हुए इनका ज्ञापन देंगे आज DC साहब के माध्यम तक, और ये कहने की बात है कि भाई कहीं ना कहीं इनके ऊपर संज्ञान ले जल्द, नहीं तो आज 4th क्लास वर्कर यूनियन की जो स्टेट कमेटी है उन्होंने भी आह्वान किया कि भाई ये आंदोलन अब फिक्का नहीं हो, इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेगा, इसलिए आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम किया गया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।